हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीआरवी ऑब्जेक्टिव बॉटनी और जूलॉजी दोनों को ख़त्म कर रहे हैं। किसके लिए? जीआईसी लेक्चरर के लिए, यूपी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करने के लिए। ओके, तो इसी सीरीज में हम यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं जितनी भी अपने वीडियो अपलोड करता हूँ वो सभी लिंक शेयर करता हूँ, तो आपको सभी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे और उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, जैसे विकास यादव जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी रिक्वेस्ट बहुत बार मैं पढ़ चुका हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं जूलॉजी को फिनिश करूँ। देखिएगा, हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों को ही फिनिश करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन में, है ना, लिमिट होती है वीडियोज़ की अपलोड करने की, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा के अनुसार हम जूलॉजी के भी वीडियोज बहुत सारे अपलोड करने वाले हैं। ओके, तो जुड़े रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जो कि हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सीरीज से चल रहा है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज उसी क्वेश्चन नंबर 30 का हमने प्रीवियस वीडियोज में हमने दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि एक्चुअल में आपको बताना था कि उसमें कौन सा स्पीसीज रिलेशनशिप है। तो उसका राइट आंसर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है ना, उसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर जो है वो कॉमन सेलजम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन सेलजम्स। ओके, चलिए, हमारे जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको सभी वीडियोज मिल पाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हो जाता है, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? ओके, तो माइकोराइजा म्यूचुअलिजम्स का एग्जाम्पल है, कॉमन सेलजम्स का एग्जाम्पल है, पैरासाइटिजम्स का एग्जाम्पल है, एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल है। देखिएगा, अभी हम जो बात कर रहे थे एक्चुअल में स्पीसीज और स्पीसीज रिलेशनशिप की, है ना, स्पीसीज इंट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, स्पीसीज इंट्रैक्शन की जो बात कर रहे थे, है ना, तो कोई भी दो स्पीसीज होती हैं वो कैसे इंट्रैक्ट करती हैं, है ना, उसमें हो सकता है कि दोनों जो हैं बेनिफिटेड हो, मतलब दोनों प्लस प्लस हों, या फिर दोनों हार्म हो, मतलब दोनों को लॉस हो रहा हो, या फिर उसमें जो होती है एक प्लस होती है, मीन्स एक को बेनिफिट हो रहा होता है और एक को लॉस हो रहा होता है ना, और या फिर ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें एक जो होती है जिसको लॉस, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, एक प्लस हो रहा है मतलब जिसको बेनिफिट हो रहा है, और एक न्यूट्रल कंडीशन में ना तो उसको लॉस हो रहा है और ना ही उसको जो है कोई भी बेनिफिट हो रहा है, तो हम वहाँ पे इसको जीरो से शो करते हैं। ओके, और कुछ जो ऐसी होती हैं जिसमें एक को लॉस हो रहा होता है और एक जो होती है जीरो शो कर रही है, मतलब न्यूट्रल शो हो रही होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंडीशन हैं, हम उनको अगर आप वीडियो लगातार देखते रहते हैं तो सभी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या है म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म एक ऐसी कंडीशन है, म्यूचुअलिज्म एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों प्लस प्लस कंडीशन में होती हैं। ओके, दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं। तो माइकोराइजा में क्या होता है, पता ही है आपको, माइकोराइजा में ये सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट का प्लस फंगस का, और बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड, दोनों को फायदा होता है, तो इसलिए सीधा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म्स हो जाएगा। चलो लगे हाथों हम कॉमन सेलजम्स को देख लेते हैं, हालांकि कॉमन सेलजम्स को हम ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं। कॉमन सेलजम्स में क्या कंडीशन प्रोड्यूस होती है? तो कॉमन सेलजम्स में एक जो होती है वो प्लस होती है और एक न्यूट्रल वैल्यू रहती है, एक प्लस रहती है और एक कैसी रहती है, न्यूट्रल रहती है, मतलब ना तो उसको कोई फायदा हो रहा होता है ना ही उसको कोई घाटा हो रहा होता है, मीन्स लॉस हो रहा होता है। ओके, तो चलिएगा नेक्स्ट कंडीशन पे। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक माइनस हो और एक जो होता है वो क्या होगा, वो जो हो जाएगा वो न्यूट्रल वैल्यू रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन सेलजम, जिसमें प्लस हो रहा होता है और जिसमें नेगेटिव हो रहा होता है, मीन्स माइनस बेनिफिटेड नहीं हो रहा हो, घाटा हो रहा होता है, उसमें जो एक न्यूट्रल रह रहा होता है उसको बोलते हैं एमएन सेलजम्स। क्या बोलते हैं? एमएन सेलजम्स। चलिए अगला देख लेते हैं इसका पैरासाइटिज्म्स। तो पैरासाइटिज्म्स वो कंडीशन होती है ना जो कि पैरासाइटिक, है ना, इसमें
जो होता है एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है, मीन्स एक को फ़ायदा हो रहा होता है और एक को जो हो रहा होता है वो लॉस हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन मीन्स पता होता है आपको किसी चीज़ को एक्सप्लॉयट करना, शोषण करना हो या फिर उसको हार्म करना, नुकसान पहुँचाना होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्चुअल में ये। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। द वैस्कुलर प्लांट रूटेड इन द सॉइल एंड पर्च्ड ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट आर कॉल्ड। देखो, वैस्कुलर प्लांट की बात की गई है। वैस्कुलर प्लांट आप जानते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर प्लांट। रूटेड होता है, जड़ों में लगा हुआ होता है, जड़ के थ्रू मतलब जमीन से जुड़ा होता है, सॉइल में अपना जुड़ा होता है। और पर्च होता है, पर्च का मतलब हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर रहना, बैठा होना। ऑन अदर प्लांट है ना, तो इन्होंने कहा है कि वैस्कुलर प्लांट तो है ये, जड़ों के थ्रू लगा हुआ भी है, लेकिन पर्च्ड है, बैठा हुआ है या जुड़ा हुआ है अदर प्लांट के ऊपर, किसके लिए, सपोर्ट के लिए जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, तो देखिएगा इपीफाइट, एक वर्ड यूज किया गया है इपीफाइट्स, एक हुआ लियानास हो जाता है, एक हो जाता है प्रीडेशियस प्लांट हो जाता है, एक पैरासाइट हो जाता है। इपीफाइट, इपी मीन्स होता है ऊपर, फाइट मीन्स फाइटो, फाइटोस मीन्स प्लांट हो जाता है। मतलब कोई भी प्लांट एक दूसरे पेड़ के ऊपर लगा हुआ हो, मतलब रूटेड ना हो, जमीन में उसकी जड़ें ना हो, वो सीधा उसी प्लांट के ऊपर जड़ा हुआ है ना, अपना जड़त तो शो कर रहा हो है ना, जड़ा हुआ हो, और उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीफाइट बोलते हैं है ना, उससे वो अपना फूड भी ले रहा हो, जो भी है एपीफाइट कंडीशन बोलते हैं है ना। और प्रीडेशियस क्या होता है, जो प्रीडेशन कर रहा हो, मतलब जो शिकार कर रहा हो किसी दूसरे प्लांट का। पैरासाइट भी यही होता है, पैरासाइट से सेंस होता है एक तो अपने खाने के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह रहा होता है, उसी से अपना घर भी वहीं पे बनाता है और फूड भी वहीं से, तो उसे पैरासाइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बच जाता है वो है लियानास, लियानास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद कर लोगे, लियानास एक बहुत अच्छा वर्ड है ना। क्या है, वैस्कुलर प्लांट होते हैं, जड़ें तो उसकी ज़मीन में होती हैं, लेकिन वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पर्च होता है, बैठा होता है या जुड़ा होता है, किसके लिए, सपोर्ट के लिए सिर्फ जुड़ा होता है, सिर्फ फूड वूड नहीं ले रहा होता है, सिर्फ सपोर्ट के लिए जुड़ा होता है। ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कार्निवोरस प्लांट आर एग्जांपल ऑफ, कार्निवोरस प्लांट किसके एग्जांपल हैं, कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं पैरासाइटिजम्स के, प्रीडेशन के, कॉमन सेलिजम्स को। तो देखिएगा एक्चुअल में कार्निवोरस प्लांट जो है वो पैरासाइटिजम्स तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैरासाइटिजम्स तो एक दूसरे के ऊपर रहते ही है ना। तो वो हो जाएगा जैसे कि होता है कसकुटा होता है, जिसको अमरबेल हम लोग बोलते हैं। ओके, प्रीडेशन यहां पे हो जाएगा, प्रीडेशन मतलब शिकार कर रहा होता है, क्या होता है, जैसे पिचर प्लांट हो गया, घटपर्डी इसको पौधा भी बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं है ना, ये घड़े जैसा, इसका अपनी पत्तियों का लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है सेपल्स और पेटल्स के थ्रू सब कुछ मिलाकर। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जो निकल रहे होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह वहाँ से जा रहे होते हैं, वो जैसे ही उसमें बैठते हैं तो अपने ऊपर एक लिड जैसा होता है, ढक्कन जैसा होता है, वो उसको बंद कर लेता है, तो उसका शिकार कर लेता है, क्या कर लेता है, शिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके, प्रीडेशन के हैं, प्रीडेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, कॉमन सेलिजम्स मैं आपको ऊपर समझा ही चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रेफ्लेशिया इज अ पैरासाइट, रेफ्लेशिया कैसा पैरासाइट है, रेफ्लेशिया इज ए पैरासाइट। तो रेफ्लेशिया देखो, सबसे पहले तो आप ये याद कर लोगे, रेफ्लेशिया जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, लार्जेस्ट फ्लावर है, ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट कैसा है, लार्जेस्ट फ्लावर है, लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा हो गया, रेफ्लेशिया हो गया, रेफ्लेशिया दिया गया है, ठीक है ना, रेफ्लेशिया हो गया। अब हम आ जाते हैं स्मॉलेस्ट फ्लावर पे, तो स्मॉलेस्ट फ्लावर हो जाएगा बोल्फिया, कौन सा हो जाएगा, बोल्फिया हो जाएगा, बोल्फिया, ओके, बोल्फिया हो जाएगा, सॉरी,